जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तीन मार्ग स्पेशल बाय तन्वी मैम में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन भी हमारा तीन मार्ग स्पेशल रहेगा, जिसपे हम बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने तीन मार्कर पॉसिबल बन सकते हैं उन सारे तीन मार्कर को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, तीन मार्कर का कितना इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम में ये आप लोग समझ सकते होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स हुए कई समय हो चुका है। अब जो अपना टारगेट है वो 3, 5 और 11 मार्कर के हिसाब से पढ़ाई करने का है। एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट। इसी में हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की है। बेसिकली हम यहाँ पर डील क्या कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करी है पेपर वन की, राइट। पेपर वन को दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पार्ट ए आता है और दूसरा आता है आपका पार्ट बी। अब पार्ट ए की पहली यूनिट थी, ध्यान दीजिए, पार्ट ए की पहली यूनिट थी कि भाई आपको हरप्पा सिविलाइजेशन से लेकर के 10th सेंचुरी तक पढ़ना है, राइट। यही कहानी थी। तो ये हरप्पा सिविलाइजेशन और इसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका बुद्धिज्म। देखिए, इस टॉपिक को हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर अप करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बुद्धिज्म क्या है, राइट। बुद्धिज्म की शुरुआत जो है वो भारत में कैसे हुई और बुद्धिज्म के क्या कारण है दैट इट्स स्प्रेडेड वास्टली इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। ऐसा क्या हुआ जो बुद्धिज्म जो है भारत में इतना फैलने लगा। देखिए, सबसे पहले तो बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसा धर्म है जो भारतीयों ने अपनाया। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिज्म क्या है बेटा, एक ऐसा धर्म है जो भारतीयों ने अपनाया। इसके अगर हम शुरुआत की बात करें तो बेसिकली 4th सेंचुरी BC, राइट, ध्यान दीजिएगा, 4th सेंचुरी BC से इसकी शुरुआत भारत में हो चुकी थी। इंडिया हैज फेस्ड द राइज ऑफ बुद्धिज्म अराउंड 4th सेंचुरी BC। देखिए, बुद्धिज्म को शुरू करने वाले व्यक्ति यानी कि बुद्धिज्म से ओरिएंटेड जितना भी ज्ञान है, जितनी ओरिजिनल प्रीचिंग्स हैं, ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, ये हमें किसने दी थी, गौतम बुद्धा ने दी थी। ध्यान दीजिएगा, किसने दी थी बेटा, गौतम बुद्धा ने दी थी, जिसका ओरिजिनल नाम यानी कि जो बचपन का नाम है वो था सिद्धार्थ। ध्यान दीजिए, क्या है बेटा, सिद्धार्थ इनका नाम था। ये एक क्षत्रिय क्लैन, शाका क्लैन के घर में पैदा हुए, राइट। इनके पिता का नाम था सुद्धोधना और माता का नाम था महामाया। बहुत ही यंग एज में इनका विवाह जो है यो यशोधरा से कर दिया गया। इस तरीके की कहानी हमें कहाँ से शुरू होती है, गौतम बुद्धा से होती है। अब भाई, गौतम बुद्धा के लाइफ में एक ऐसा इवेंट आया जब उन्होंने कई चीजें विटनेस करी, जैसे कि एक बूढ़ा व्यक्ति, राइट, एक गरीब आदमी, एक मरता हुआ व्यक्ति, जिनसे उसे ये समझ में आया कि भाई ये जो जीवन की मोह माया है, हम तो उसमें फंसे हैं, इससे ऊपर भी एक फिलॉसफी है, उससे ऊपर भी एक यहाँ पर क्या है भाई, लाइफ है जो हमें देखनी है। इसी वजह से अपना घर और अपनी सारी चीज़ों को 29 की उम्र में त्यागते हुए गौतम बुद्धा जो हैं वो अपने लिए क्या, किस रास्ते पर चले गए भाई, अपने लिए बेसिकली शुद्धि पाने की रास्ते पर चले गए, राइट। ये थी हमारी गौतम बुद्धा की कहानी। अब कारण क्या था कि भाई बुद्धिज्म धर्म को यहाँ पर नई शुरुआत करनी पड़ी। देखिए, अगर इससे पहले हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी वॉज वेरी मच विटनेसिंग हिंदुइज्म, राइट। इंडियन सोसाइटी में हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म जो है वो अपने पीक पॉइंट पर था, राइट। हिंदू धर्म की अगर हम शुरुआत करें तो वो कहाँ से होती है, वो वेद से होती है, राइट। अगर आपकी इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो कहाँ से होती है बेटा, वेद से होती है। इस वेद के हिसाब से जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझेंगे फिर 3 मार्कर पे जाएंगे, ये ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कि भैया वर्ण की, राइट, तो वेदों ने कहा कि हमारी जो सोसाइटी है वो 4 वर्णों में डिवाइडेड है। कितने वर्णों में डिवाइडेड है, 4 वर्णों में डिवाइडेड है, जिसमें ब्राह्मण्स, राइट, क्षत्रिय, वैश्य और इसके साथ साथ शूद्र। आप सभी को पता है कि भाई ब्राह्मण का काम था पढ़ना
वेदों को और इसके साथ साथ इन्हीं वेदों को दूसरों को पढ़ाना। अगर हम बात करें क्षत्रिय की, तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक क्षत्रिय को वॉरियर होना चाहिए, यानी कि अपनी किंगडम यानी कि अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। फिर हम वैश्य पे आए तो भाई ये मर्चेंट क्लास हुआ करती थी, और वहीं हम शूद्र पे आएंगे तो ये एक ऐसी वर्ण था जो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता था, यानी कि उनके लिए काम करता था, राइट। अब भाई सोसाइटी क्योंकि चार वर्णों में डिवाइडेड थी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बर्थ के आधार पर, यानी कि आप किस परिवार में जन्मे हैं, आप शूद्र परिवार में जन्मे हैं, वैश्य में जन्मे हैं, क्षत्रिय में जन्मे हैं या फिर ब्राह्मण में हैं। तो बेसिकली अगर आप वेदों का एसेंस देखें, वेदों का बेस देखें, तो वो कहाँ से शुरू होता है, बर्थ से शुरू होता है। और इसी के अगेंस्ट हमें फिलॉसफी किसकी देखने को मिली, गौतम बुद्धा की देखने को मिली। अब जब गौतम बुद्धा ने अपनी फिलॉसफी को पेश करना शुरू किया, तभी वहां से एक धर्म निकलता है, बुद्धिज्म, राइट। कौन सा धर्म यहां से निकल के आता है, बुद्धिज्म निकल के आता है। चलिए सबसे पहला जो आज का हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है रीजंस, ध्यान दीजिएगा। जो आप सबसे पहला पॉइंट आज पढ़ने वाले हो वो है कारण, किस चीज के कारण बेटा, राइज ऑफ बुद्धिज्म के कारण। भैया ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से एक धर्म होने के बाद भी सोसाइटी में क्या बना, सोसाइटी में दूसरा धर्म जन्मा, राइट। अगर तीन मार्कर के फॉर्मेट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो रीजंस ऑफ बुद्धिज्म आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे वर्णा ओरिएंटेड सोसाइटी की, राइट। जो मैंने आपको रीजन बताया वही सबसे पहले रीजन है कि हमारी जो सोसाइटी थी यानी कि जो हमारा समाज था वो किसके इर्द गिर्द घूमता था बेटा, वर्ण के इर्द गिर्द घूमता था, जिसमें कौन कौन, ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए और शूद्र आए। अब भाई क्षत्रियों का कहना था कि हम तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं, हम तो वॉरियर क्लास है, तो ये जो प्रीस्टली क्लास है यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो सेंट्स हैं, ये हम लोगों को डोमिनेट क्यों कर रहे हैं, राइट। वही वैश्य आए, वैश्य कहते कि भाई हम तो मर्चेंट्स हैं, हम तो इस देश को चलाते हैं, समाज को चलाते हैं, तो भाई ये जो क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण्स हैं ये हमें डोमिनेट क्यों करें। तो बेसिकली ये जो वर्णा ओरिएंटेड सोसाइटी थी यानी कि ये जो टफ डिवीजन बना के रख दिया था बर्थ के आधार पर, इसी के खिलाफ जो है आवाज उठना खड़ी हो गई 4th century BC में, जिसका रूप हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के फॉर्मेट में देखते हैं, राइट। हो गई कहानी क्लियर बेटा। चलिए दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर के स्कोप का बढ़ना, राइट। अब आप सोचेंगे कि भाई एग्रीकल्चर का स्कोप बढ़ना और धर्म की शुरुआत होना, इसमें क्या मेल जोल है, बिल्कुल है। जब एग्रीकल्चर इंक्रीज होने लगा, राइट, एग्रीकल्चर में एक बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होने लगा, तो इन्हें किसकी जरूरत पड़ी, इन्हें लैंड को प्लाव करने के लिए यानी कि खेत को जोतने के लिए जानवरों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ी, जिसमें इन्होंने काउ, बुल्स एक्सेट्रा सभी जानवरों का उपयोग किया, राइट। और इसी दौरान कई जानवरों की हत्या कर दी जाती थी। तो भाई अब जैनिज्म और बुद्धिज्म इस चीज के बिल्कुल विरोध हो जाते हैं। बुद्धिज्म तो फिर भी इतना टफ नहीं था, लेकिन जैनिज्म तो पूरी तरीके से प्रोहिबिट करते थे एग्रीकल्चर को कि भाई जो चीजें इंसेक्टिसाइड, कीटाणु या किन्हीं को भी मारती हैं, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कारण यहां पर आता है एग्रीकल्चर, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री जो है वो चलती थी। अब जब एनिमल हस्बेंड्री चल रही है, इनका उपयोग कर रहे हैं, तो इनकी मृत्यु भी हो रही थी, एक सबसे बड़ा कारण ये है। तीसरा यहां पर सबसे बड़ा कारण था ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, राइट। देखिए ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी से क्या दिक्कत हो गई इन लोगों को, जैसे ही यहां पर अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, इकोनॉमी बढ़ने लगी, हमने देखा कि ये बुद्धा की एज में पहली बार कॉइन्स का उपयोग होने लगा, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर के, लेड के, कॉपर के कॉइन्स यहाँ पर बनने लगे। यहाँ पर हमने देखा कि कुशांस वगैरह के आने से ड्रेसेस यानी कि पहनावे में बदलाव हुआ, ठीक है। तो भाई जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग थे, ध्यान दीजिएगा कैसे लोग थे बेटा, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग थे जो अपने आप में बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे,
ठीक है, क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ये ग्रोथ जमी नहीं, एंड स्टिक्ड दे रिमेंड अगेंस्ट हिंदुइज्म। किसके विरोध में हो गए, हिंदुइज्म की टफ प्रिंसिपैलिटीज के विरोध में हो जाते हैं, और एक नए धर्म की शुरुआत हुई बुद्धिज्म। गौतम बुद्धा जो कि खुद एक क्षत्रिय शाका क्लैन के थे, इनका बहुत ज्यादा सहयोग हमें कहां से मिलता है, वैश्य क्लैन से मिलता है, है ना। वैश्यों ने यहाँ पर इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया, क्षत्रियों ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे उनकी प्रीस्टली वर्ग यानी कि जो प्रीस्टली क्लास ऑफ पीपल थे उस समय पर सोसाइटी में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हमें देखने को मिले, राइट। उनका कहना था कि भाई हमारे जो वेद हैं ये तो हमें भगवान ने बनाए हैं, और भगवान के हिसाब से ये जन्म का आधार जो है सोसाइटी को दिया गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई, रीजंस ऑफ बुद्धिज्म समझ में आए, 3 मार्कर आएगा तो लिख पाएंगे, 3 कारण लिखो, खत्म करो कहानी, लेकिन 3 आपके कारण ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को पूरी कहानी क्लियर समझ में आ जाए। चलिए अगले 3 मार्कर की तरफ बढ़ते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने आपके टॉपिक हैं वो आज के सेशन में हम कवर कर पाए, जिसमें सबसे पहला आपका है गौतम बुद्धा। तो बिल्कुल बिल्कुल 3 मार्कर आ सकता है भाई गौतम बुद्धा पे, और गौतम बुद्धा का एक इंट्रोडक्शन भी मैंने आप लोगों को दे दिया। गौतम बुद्धा जो है उनका जन्म कब हुआ था बेटा, 563 BC में हुआ था। इस डेट को बिल्कुल दिमाग में घिस लीजिए, राइट। तो भाई गौतम बुद्धा का जन्म हुआ है 563 BC में, किस किस क्लैन में हुआ है, तो शाक्य क्षत्रिय क्लैन में हुआ है। कहाँ हुआ है, शाक्य क्षत्रिय कैंप में हुआ है। बेसिकली इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी गांव में, ध्यान दीजिएगा बेटा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी गांव में हुआ है, जो बेसिकली कहाँ पड़ती है, कपिल वस्तु में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, कपिल वस्तु में पड़ती है, जो खुद लोकेटेड है नेपाल के तराई में, ध्यान दीजिए, जो खुद कहाँ पर स्थित है, नेपाल के तराई में स्थित है। तो भाई गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 2 पॉइंट याद करें हमने, 563 BC में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, जो आज के समय पर एक तीर्थ स्थान है बुद्धिज्म का। ये जो लुम्बिनी है ये कहाँ है, तराई नेपाल के कपिल वस्तु में है, ध्यान दीजिएगा कहाँ है बेटा, तराई नेपाल के कपिल वस्तु में है। ठीक, गौतम बुद्धा जो है जब वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी की शुरुआत हुई, तो वहीं से जन्म होता है बुद्धिज्म का। ये एक शाका क्षत्रिय फैमिली में जन्मे, इनके पिता का नाम था शुद्धोदना और इनकी माता का नाम था महामाया। तो अगर आप 3 मार्कर में उनके जन्म, उनकी फैमिली, उनकी क्लैन, यही कहानी लिख कर आएंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, एक पॉइंट हम ये भी डाल सकते हैं कि ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिज्म। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर बुद्धिज्म की किसी ने शुरुआत करी है तो उसका क्रेडिट हम किसको देते हैं, गौतम बुद्धा को देते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 3 मार्कर की बात करेंगे, इसी तरीके से हम 3 मार्कर पढ़ते चलते हैं। अभी गौतम बुद्धा की थोड़ी कहानी यहाँ पर देखिए। देखिए गौतम बुद्धा डाइड इन 483 BC। अभी आपने उनका जन्म देखा, दैट इज 563 BC, और उनका जो डेथ है वो है 483 BC। ठीक, ये जो लोकेशंस हैं उनकी जन्म और मृत्यु की, जन्म जो लुम्बिनी में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई है, जो बेसिकली कहाँ पड़ता है, हिरण्यवती नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ेगा बेटा, हिरण्य नदी के किनारे पड़ता है। ये जो डेथ का इंसिडेंट है, ध्यान दीजिए बेटा, ये जो डेथ का इंसिडेंट है इसे हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। देखिए जब उन्होंने उन्होंने सारे सेंसेस पर जीत पाई, यानी कि बेसिकली उन्होंने निर्वाणा की प्राप्ति करी, ठीक, बोधि ट्री के नीचे जो बोध गया है वहां पर बैठकर उन्होंने किसकी प्राप्ति करी थी, निर्वाणा की प्राप्ति करी थी। ठीक है, तो उस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, निर्वाणा कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा कौन सा इवेंट है, उनके डेथ के इवेंट को हम कहते हैं। तो बेटा जितना हमने यहाँ पर पढ़ा, 3 मार्कर ही नहीं, आप 5 मार्कर भी यहाँ से लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए आप लोगों को पॉइंटर्स देती हूँ ताकि कंटेंट भी आप लोगों के पास इकट्ठा होते चले। चलिए तीसरी बात पर आते हैं। देखिए अब जो है किसने,
गौतम बुद्धा ने निर्वाणा की प्राप्ति कर ली। जब गौतम बुद्धा ने निर्वाणा की प्राप्ति करी तो इसके बाद उन्होंने अपने सेरेमन्स देना शुरू करे, बेसिकली अपनी स्पीचेस देना शुरू करी। और इसी स्पीचेस से हमें पता चलता है कि भाई इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो गाइडलाइंस हैं जो ये लोगों को देना चाहते थे, उसमें क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहली बात, गौतम बुद्धा ने हमें तीन रत्नों के बारे में बताया, ध्यान दीजिएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो बुद्धिज्म धर्म है, ये जो बुद्धिज्म कंसेप्ट है, ये बेसिकली तीन रत्न के साथ चलता है, यानी कि तीन ज्वेल्स के हिसाब से चलता है। ध्यान दीजिएगा, किसके साथ चलता है बेटा, तीन ज्वेल्स के हिसाब से चलता है, ठीक है। ये तीन ज्वेल्स कौन है? सबसे पहले तो बुद्धा खुद, राइट, ये तो खुद रत्न है, तभी तो बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, ठीक। दूसरा यहां पर आता है इसका धम्मा, और तीसरा आपका आता है संगा। आप एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझेंगे, क्योंकि सीधे आपसे तीन मार्कर पूछा जाता है कि भैया व्हाट आर द थ्री रत्न्स ऑफ गौतम बुद्धा या थ्री रत्न ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के तीन रत्नों में सबसे पहले बुद्धा, राइट। बुद्धा ने जितने भी प्रिंसिपल्स बताए हैं, जितने भी गाइडलाइंस बताई हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धम्मा कहते हैं। और तीसरी चीज है संगा। अब ध्यान दीजिए, संग क्या है? बेसिकली संग मतलब एक ऐसा स्थान या एक ऐसा कंसेप्ट जहाँ पर वो सारे लोग मिलकर रहते हैं, एक संग बना कर रहते हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया, राइट। बुद्धा के पाथ पर चलते हुए कई लोगों ने अपने घर त्यागे, कई लोगों ने अपनी हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ आश्रम को त्यागा, और क्या करने लगे, सन्यासी आश्रम या सन्यासी जीवन जीने लगे, राइट। बुद्धिज्म कंसेप्ट के हिसाब से वो कैसे रहेंगे, एक संग में रहेंगे। ये संग में रहने पर उन्हें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और ये रूल्स रेगुलेशंस हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, विनाया पिटक से मिलते हैं। तो बेसिकली क्लियर कहानी हो गई, बुद्धा, बुद्धा के साथ धम्मा और धम्मा के साथ संगा, ये गौतम बुद्धा के क्या हैं, तीन रत्न हैं जो हमें दिमाग में बिठाने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब जब गौतम बुद्धा की फिलॉसफी को हम समझने लगे तो गौतम बुद्धा ने कहा कि इस जीवन के, इस लाइफ के चार नोबल ट्रुथ हैं, यानी कि चार ऐसी सच्चाइयां हैं जो मनुष्य को एक जीवन में सहन करनी होती हैं, या दे हैव टू फेस इट बेसिकली। तो फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे आएगा कि भैया गौतम बुद्धा के चार सत्यों को बताएं, यानी कि सात नोबल ट्रुथ्स को बताएं। तो देखिए, गौतम बुद्धा के आधार पर या गौतम बुद्धा के बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि एक जीवन में चार कठिनाइयां हमें आती हैं। सबसे पहले बात उन्होंने कहा, सफरिंग, राइट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है भाई, सफरिंग। मनुष्य के जीवन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दुख, है ना। हमें क्या होता है, हम सफर करते हैं, हमें दुख होती है, हमें परेशानियां होती हैं। ये जो दुख है, ठीक, ये दुख जो है इसका समुदाय भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका समुदाय भी हो सकता है, यानी कि इसका सल्यूशन भी निकल सकता है, ठीक। तीसरी चीज उन्होंने कहा, इस दुख का निरोध हो सकता है, बेसिकली इसका सल्यूशन हमें मिल सकता है, ठीक। और चौथा क्या कहते हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब इन दुखों को खत्म करने के लिए एक रास्ता है जो हमें गौतम बुद्धा ने बताया। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम जीवन में क्या करते हैं बेटा, सफर करते हैं, ठीक है, सफर करते हैं। हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है हमारे बढ़ते डिजायर्स, ठीक। आप सभी को पता है कि भाई हम लोगों को 100% सेटिस्फेक्शन किसी चीज में मिलता ही नहीं है। ये जो डिजायर्स हैं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, ठीक। तो हो गई सफरिंग, ग्रीफ कम्युनिटी, हम मिलके सफर कर रहे हैं, राइट। इस सफरिंग का कोई निरोध है? बिल्कुल है। अब क्या है, ये रास्ते भी हमें किसने बताए हैं, गौतम बुद्धा ने खुद बताए कि भैया इस दुख को खत्म करने के कुछ एट फोल्ड पाथ्स हैं, यानी कि अष्टांगिका मार्ग हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अगर आपको चार सच्चाइयां आए तो आप बिल्कुल बताएंगे कि भैया इन चार सच्चाइयों में हमने ये देखा कि एक जीवन में अगर व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसका सबसे मेन कारण क्या है, मनुष्य के डिजायर्स, मनुष्य की चाहतें जो दिन पर दिन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती,
राइट। सो दिस इज हाउ एट फोल्ड पाथ्स यानी कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म इज प्रेजेंटेड टू अस। चलिए अब क्योंकि हमें इन दुख को निरोध भी करना है राइट, इसका सोल्यूशन भी ढूंढना है, तो गौतम बुद्धा के हिसाब से ये जो आठ पाथ की थ्योरी है, एट फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगी का मार्ग है, उसको समझिएगा। क्योंकि तीन मार्कर में आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न किया जाएगा कि भाई गौतम बुद्धा के एट फोल्ड पाथ्स को आप लोग समझाएं। क्लियर है? चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म देयर आर एट लिम्ब्स ऑफ एट फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगी का जो मार्ग है राइट, दुख को हराने के लिए हमें क्या बताया है उन्होंने, अष्टांगी का मार्ग के बारे में बताया है। ठीक, किसके लिए बताया है? दुख के निराकरण यानी कि आपकी जो सफरिंग्स है राइट, आपकी जो सफरिंग्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया, एट फोल्ड पाथ बताए। बेसिकली ये जो एट फोल्ड पाथ है इसे मझिम प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। याद करिए इस बात को बेटा, मझिम प्रतिपदा के नाम से भी इस एट फोल्ड पाथ को हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए मझिम प्रतिपदा का मतलब होता है किसी चीज का बीच का रास्ता निकालना यानी कि मिडिल पाथ। राइट, क्या होता है? किसी भी चीज का बीच का पाथ निकालना जो कि हमारी सफरिंग्स यानी कि हमारे दुख को क्या करेगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। हो गई कहानी क्लियर? फिर से समझेंगे, एट फोल्ड पाथ क्या है? एट फोल्ड पाथ हमारी दुख को खत्म करने के लिए एक एक थ्योरी है, एक मिडिल पाथ है जो हमें किसने बताया था, लॉर्ड बुद्धा ने बताया था। अब फटाफट से हम इस एट फोल्ड पाथ की हर एक शब्द को, अष्टांगिका मार्ग के आठों चीजों को यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए ये जो अष्टांगिका मार्ग है वो हमें कहता है कि एक एक इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर राइट विजन होना चाहिए। राइट, देखिए हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। तो बेसिकली गौतम बुद्धा का कहना है कि अगर आप सही तरीके से अपने जीवन को नहीं देखेंगे, दूसरी चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो सफरिंग तो होगी होगी। राइट, तो सफरिंग को खत्म करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने विजन को सही करेंगे, अपने विजन को राइट करेंगे। ठीक, अब जब विजन राइट हो गया तो विल को राइट करिए आगे करने के लिए, जो काम करने के लिए जो चाहते होती हैं कि भाई मैं ये करूँगा, उस विल को हमें राइट करना है। ठीक, जो बोल रहे हैं वो सच्चा बोलो, अच्छा बोलो, राइट स्पीच को फॉलो करो। ठीक, राइट एक्शन, अपने कामों को सही करें। राइट लिविंग, अच्छे से जीवन व्यतीत करो। कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जीवन के, आज के समय पे आप देखते चल रहे हो कोई 2 बजे उठ के खा रहे हैं, 4 बजे उठ के खा रहे हैं, तो दिस इज नॉट बेसिकली द नेचर, वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, हम जो है नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। राइट, तो यही चीज़ें सही करने के लिए किसने बोली थी हमें, गौतम बुद्धा ने बोली थी कि भाई राइट लिविंग होनी चाहिए। राइट, राइट एक्सरसाइज होनी चाहिए, राइट मेमोरी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ राइट समाधि होनी चाहिए, सम्यक समाधि होनी चाहिए। क्लियर है कहानी? एक बार फटाफट से मेरे साथ रिपीट करिए, जितना आप लोग वर्ड्स को रिपीट कर करके पढ़ेंगे ना, उतनी आपको चीज़ें इस वीडियो के, इस लेक्चर के माध्यम से यहीं पर याद होगी। बाद में याद करने के लिए बैठना नहीं है हमें वापस, ऐसा यहाँ पर पढ़ना है कि यह वीडियो आपने कंप्लीट करी है एंड यू आर डन विद ऑल द थिंग्स। क्लियर? चलिए, राइट एक्शन, सॉरी विजन से शुरू करते हैं। तो आठ पाथ में क्या क्या इंक्लूड करता है बेटा, राइट विजन, राइट, राइट विल, राइट स्पीच, राइट एक्शंस, राइट लिविंग, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी और राइट समाधि, बेसिकली हम कंडक्ट भी कह सकते हैं। क्लियर, आठों पाथ याद हो गए? तो दिस इज द एट फोल्ड पाथ थ्योरी ऑफ गौतम बुद्धा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, प्रतित्य समुत्पदा। ध्यान दीजिए क्या है बेटा, प्रतित्य समुत्पदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऐसी टर्मिनोलॉजी जब हमसे पूछी जाती हैं तो हमें उसकी जानकारी नहीं होती, नो इश्यूज, वी विल डील विद दैट। राइट, देखिए प्रतित्व प्रतिपदा का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली डिपेंडेंट है, यानी कि किसी ना किसी काम पर हम डिपेंड हो रहे हैं। राइट, तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। बेसिकली प्रतित्य समुपदाय जो है ये किससे जुड़ा है, ये बुद्धिज्म से जुड़ा है।
राइट। देखिए आपको मैंने अभी कहानी शुरुआत में ही समझा दी कि भैया हमारी जो सोसाइटी थी वो किस पर निर्भर थी, वेद पर निर्भर थी, क्योंकि संतों का ऐसा मानना था कि भगवान ने खुद आकर हमसे वेद लिखवाए हैं, है ना, यही कहानी है। तो भाई जब वेद हमारा बेसिस है तो वेद हमें बताता है कि बर्थ, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति का जन्म ही सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि अगर आप ब्राह्मण के यहाँ जन्म है तो यू विल बी नोन एज ब्राह्मण, आप क्षत्रिय के यहाँ जन्म है तो आपको क्षत्रिय बनना पड़ेगा, आप सिर्फ वॉरियर क्लास का काम कर सकते हो, आप मर्चेंट नहीं बन सकते, आप शूद्र हैं तो भाई आप पढ़ लिख नहीं सकते। तो बेसिकली ये जो सोसाइटी का डिविजन था ये किस बेसिस पर हो गया, जन्म के आधार पर हो गया, राइट। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा ने ये कहा, गौतम बुद्धा ने क्या कहा कि ये जो जन्म है, राइट, ये जो जन्म है ये कम्युनिटी के सोरोज यानी कि सोसाइटी के दुख का बहुत बड़ा कारण है, और हमें पता है कि हाँ जी ये बिल्कुल बड़ा कारण था, राइट। इन द सेम वे, ध्यान दीजिएगा, इन द सेम वे, राइट, द कॉज ऑफ बर्थ, ये जो जन्म का कारण है ये भी साइकिल ऑफ इग्नोरेंस में जाना जाता है, यानी कि अज्ञानता का एक चक्र है, अज्ञानता का एक चक्र है जो अंधाधुंध समाज जो है अपनाता आ रहा है और उसको पनपाता आता है। क्लियर है कहानी? तो कंसेप्ट क्या है बेटा, प्रतीत समुत्पाद, राइट, प्रतीत समुत्पाद गौतम बुद्धा की एक फिलॉसफी है जो हमें बुद्धिज्म का कंसेप्ट बताती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके हिसाब से जो जन्म है मनुष्य का, राइट, इट इज द कॉज ऑफ सोरोस, यानी कि यही दुख का कारण है, और ये जो बर्थ है इट इज बेसिकली द साइकिल ऑफ इग्नोरेंस, या कह सकते हो अज्ञानता का चक्र है। हो गई कहानी क्लियर? अब तीन मार्कर इस शब्द से रिलेटेड बनता है, तो आई होप आप कोई ऐसी गलती नहीं करके आएंगे, ठीक। द साइकिल ऑफ इग्नोरेंस इज कॉल्ड डिपेंडेंट अराइजिंग, साइकिल इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता का चक्र क्यों होता है, क्योंकि हम तो किसी पर निर्भर हो गए, हमने तो सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करी कि भैया इसमें सच है या नहीं है, तो हम अज्ञान है क्योंकि हमने कोशिश नहीं करी। तो बेसिकली इट इज समथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि हम तो उस पर निर्भर हो गए। क्लियर है कहानी? और यही बुद्धा की टीचिंग और यही बुद्धा की जो प्रिंसिपल्स हैं उसका बेसिस है या स्कोप है। क्लियर है कहानी? चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट तीन मार्कर की बात करेंगे, 12 निदान, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। यहाँ पर द्वादश निदान की बात की गई है, बेसिकली जो आपने यहाँ पर लास्ट टॉपिक देखा, उस लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि दुख जो है उसका कारण बहुत बड़ा बर्थ है, राइट, तो उस दुख का निराकरण करने के लिए 12 ऑर्डर्स यानी कि द्वादश बेसिकली निदान के बारे में किसने हमें बताया, गौतम बुद्धा ने हमें बताया, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्वादश निदान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतीत समुत्पाद था, राइट, क्या था, प्रतीत समुत्पाद था, इसके 12 क्रम हैं। क्या है बेटा? 12 क्रम है जिसे हम द्वादश निदान कहते हैं। हो गई कहानी क्लियर? ये जो समुत्पाद था, प्रतीत समुत्पाद, जिसका बहुत बड़ा कारण है दुख का, इसके 12 क्रम है, कुछ 12 ऑर्डर्स हैं, और इन्हीं 12 ऑर्डर्स को हम द्वादश निदान कहते हैं, ठीक है, जिससे संबंधित चीजें बिल्कुल यहीं पर याद करिए, जरा मरण तथा जाति, राइट, ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड, एक व्यक्ति की डेथ के बाद की जितने भी संस्कार होते हैं इसके साथ साथ उनके फ्यूचर में कौन सी जाति चलनी है, ये जो है वो भविष्यकाल से हमें मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप आए अविद्य संस्कार के बारे में, ठीक, इसके बाद आए आप विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, ये सारी चीजें आपसे किससे जुड़ी हैं, ये भूतकाल से जुड़ी हैं, बेसिकली ये किससे जुड़ी हैं, हमारे पास्ट टेंस से जुड़ी हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं तृष्णा, वेदना, भव, उपादान, राइट, ये सारी चीजें वर्तमान काल से जुड़ी हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्वादश निदान के नाम से जानते हैं। क्लियर है? किस नाम से जानते हैं? द्वादश निदान के नाम से जानते हैं। हो गई कहानी क्लियर? चलिए इसके बाद हम आते हैं उपोसथा पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए उपोसथा जो है इट इज बेसिकली अ डे, एक 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 त्यौहार के रूप में हम बुद्धिज्म में बनाते हैं। नाम क्या है? उपोसथा। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या नाम है? उपोसथा है। बेसिकली अमावस्या, ध्यान दीजिए, अमावस्या, पूर्णिमा, और इसके साथ साथ दो चतुर्थी, ठीक है, कौन कौन से दिन है, अमावस्या,
ठीक महीने में पड़ता है पूर्णिमा और इसके साथ साथ दो चतुर्थी। मंथ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अमावस्या, पूर्णिमा और दो चतुर्थी। इन चारों दिनों को हम उपासथा के रूप में बुद्धिज्म में सेलिब्रेट करते हैं। आप इसे त्यौहार भी मान सकते हैं या आप कोई ऐसा दिन मान सकते हैं जो गौतम बुद्धा ने हमें याद करने को कहा, राइट। तो उपासथा कब पड़ता है बेटा, अमावस्या, पूर्णिमा और इसके साथ साथ दो चतुर्थी पे पड़ता है। बेसिकली ये उपासथा है क्या, राइट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म यानी कि बुद्धा के हिसाब से इट इज द डे फॉर क्लींजिंग ऑफ अ डिफाइंड माइंड। अगर मनुष्य के दिमाग में कोई गलत बात आती है, कोई गलत चीज आती है, तो हमारी शुद्धि का दिन है ये, ये हमारे दिमाग को शुद्ध करने का दिन है। हो गई कहानी क्लियर। तो बेटा ये एक त्यौहार है, ये एक दिन है जो बुद्धिज्म की टीचिंग से हमें पता चलता है। बुद्धा के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने डिफाइंड माइंड को साफ करना है तो इस ही दिन किया जाता है, क्लींजिंग ऑफ माइंड, क्लियर। चलिए उपोसथा तीन मार्कर में आता है तो बिल्कुल आप लिखेंगे। इसके साथ साथ अष्ट महास्थान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इज दिस प्लेस कम्स अंडर द अष्ट महास्थान ऑफ बुद्धा। क्या इनमें से कोई भी चीज़ें बुद्धा के अष्ट महास्थान में से आती हैं? आठ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप बुद्धिज्म की हर लाइफ के एक इवेंट से जुड़ी हुई है, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने पहला सरमन कहाँ पर दिया, उन्होंने निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ पर करी, कहाँ पर वो विजिट में गए हैं, किस जगह से उनकी कोई भी यहाँ पर संबंध बने हुए हैं, क्लियर। चलिए आठों स्थान को हम पढ़ते हैं, क्या है अष्ट महास्थान। सबसे पहली बात हो गई आपकी लुम्बिनी, जन्म की जगह हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं गया पर, तो गया क्या है, बोध गया। बोध गया में जो बुद्धा ट्री है, बोधी ट्री जिसे हम बेसिकली मानते हैं, जो कि पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी। दूसरी जगह हो गई आपकी गया, ठीक। ये हो गई फिर सारनाथ, सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में इन्होंने पहला सेरमन दिया था अपना, ठीक है। अगला आ गया आपका कुशीनगर, डेथ श्रवस्ती से इनका संबंध है, ठीक। इसके बाद संकस्या से इनका संबंध है, राजगीर से इनका संबंध है, वैशाली से इनका संबंध है, और इन आठों जगहों को हम आठ महास्थान कहते हैं जो कि हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बुद्धिस्ट किताबों से पता चलता है। फिर से मैं आठों स्थान के नाम याद कर आ रही हूँ, फटाफट बोलते चलो, याद करते चलो। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये तो चार इवेंट्स हो गए, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रवस्ती, संकस्या, राजगीर और वैशाली, क्लियर। चलिए तो दिस इज एट महास्थान दैट आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं सारनाथ की कहानी। सारनाथ क्या है भाई, एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। क्या है, एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है जो कहाँ पर लोकेटेड है, आज के समय पर वाराणसी यूपी में आपको मिलेगी, ठीक। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी यूपी में मिलेगी। ये वो जगह है जब पहली बार गौतम बुद्धा ने अपना सेरमन दिया था। सेरमन क्या है, जब निर्वाणा की उन्होंने प्राप्ति करी तो वो लोगों को भी बताना चाहते थे भाई मेरी टीचिंग्स क्या है, मेरी प्रीचिंग्स क्या है ना, तो उसको बताने के लिए उन्होंने पहली स्पीच जो दी थी उसी को हम सेरमन कहते हैं। और ये सेरमन कहाँ कंडक्ट हुआ था बेटा, सारनाथ में कंडक्ट हुआ था, राइट। और इस मोमेंट को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान दीजिए, इस एलिमेंट, इस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि इनके पहले सेरमन का सिंबल क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले सेरमन का सिंबल क्या है, तो आप लिखेंगे टर्निंग ऑफ व्हील। क्या लिखोगे बेटा, टर्निंग ऑफ व्हील, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं कि भैया यहाँ से इनके धर्म की जो चक्र चल रहा था उसमें परिवर्तन आ गया, वो टर्न हो गया है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं द अशोकन पिलर, राइट, अशोकन पिलर जो आज के समय पर स्टेट एम्बलम है, सभी को जानकारी है इसके बारे में, जो अशोका का पिलर है, स्तंभ है। इट वॉज बिल्ड बाय मौर्यन एम्परर अशोका, किसने बनाया था ये, अशोका ने बनाया था। और ये भी हमें कहाँ पर मिलता है, सारनाथ में मिलता है, जो आज के समय पर सारनाथ के म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा है, राइट। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है भैया सारनाथ के बारे में बताओ, है ना, तो सारनाथ के बारे में सबसे पहली बात आप बताओगे कि गौतम बुद्धा से जुड़ी हुई जगह है,
बुद्धिज्म से जुड़ी हुई जगह है। आज के समय पर वाराणसी यूपी में आती है। ये वही जगह है जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला सेरेमन दिया था, स्पीच दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ स्टेट एम्बलम, स्टेट सिंबल जो आज बना है, अशोका का स्तंभ, अशोका का पिलर, ये भी हमें सारनाथ से ही मिला। ये भी सारनाथ में ही बनाया गया था, विच इज राइट नाउ प्रिजर्व्ड इन सारनाथ म्यूजियम। राइट, एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी, बुद्धिस्ट की काउंसिल। अब बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होती है? बेटा देखिए, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई। जैसे ही लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई, कई सारे लोग इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट में, इस समय पर बुद्धिज्म और जैनिज्म अपने पीक पॉइंट पे था, लोगों को हिंदू फिलोसॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, है ना। तो अब सब लोग क्या कर चुके हैं भैया, बुद्धिज्म को फॉलो कर चुके हैं। अब लॉर्ड बुद्धा की जैसे ही डेथ हुई तो सोचा क्या कि भैया लॉर्ड बुद्धा ने जो इतनी हमें बातें सिखाई हैं, इसको कंपाइल करें, है ना, इनको कहीं ना कहीं लिखें, इसको हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कंडक्ट कराई गई। ठीक, फ्रॉम टाइम टू टाइम बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर ऑर्गेनाइज फॉर कंडक्ट रूल एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसके रूल्स बनाने के लिए, इसकी इसको सब चीज़ें लिखने के लिए इन्होंने क्या करा, बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज करा। अब जो कहानी है वो बहुत ध्यान से सुननी है। तो अभी तक कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हो गई थी? 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई थी, जिसमें से 4 भारत पे हुई हैं और आखिरी की 2 जो हैं वो भारत के बाहर हुई हैं। तो आज हम अपनी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स को पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 483 BC में कंडक्ट कराई गई। ये वही ईयर है जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई है। राइट, कब कंडक्ट कराई गई? 483 BC में कंडक्ट कराई गई। इट टुक प्लेस इन सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी गुफाएं, जो कि राजगृहा में पड़ती है। राजगृहा कौन था? राजगृहा मगध की कैपिटल थी। राइट, और मगध खुद क्या था बेटा? मगध एक महाजनपद था। राइट, आज के समय पर हम इसको बिहार के रीजन से बिल्कुल जो सेव कर सकते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हो गई आपकी राजगृह में, है ना। किस राजा ने इस बुद्धिस्ट काउंसिल को बनवाया था, करवाया था? तो बेटा अजात शत्रु, ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु जो कि हर्यंका डायनेस्टी का एक बहुत ही महान राजा था, उसने बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन कराया, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन कराया। ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसको प्रिसाइड किया था एक बहुत ही महान बुद्धिस्ट सेंट, जिनका नाम है महाकश्यप। क्या नाम है बेटा? महाकश्यप। हो गई कहानी याद? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC राजगृहा में हुई, अजात शत्रु ने कराई और महाकश्यप ने इसको क्या किया था, प्रिसाइड किया था। आगे बढ़ते हैं, और भी बुद्धिस्ट काउंसिल हैं। देखिए, अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो बेसिकली पहले वाले बुद्धिस्ट काउंसिल में कुछ कंपाइल हुआ, यानी कि कुछ लिखा गया, उसमें विनाया और सत्ता पिताका का नाम आता है। त्रिपितक्स होते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, त्रिपितक होते हैं, जिसमें पितक शब्द का मतलब होता है बास्केट। राइट, पितक शब्द का मतलब क्या होता है? बास्केट। इन चीज़ों में इन्होंने बुद्धा की सेंग्स, बुद्धा के रूल्स रेगुलेशन, बुद्धा के धर्म की कहानी जो है वो कंपाइल करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, हम पहले काउंसिल पढ़ेंगे, ये चीज़ें मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं। पहली हो गई राजगृह में, अजात शत्रु ने करा दी। अब दूसरी पर आइए, दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुई थी बेटा? वैशाली में हुई थी। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये किस राजा ने कराई थी? ये काल अशोक ने कराई थी। किसने कराई थी बेटा? ये काल अशोक ने कराई थी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पर। राइट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, आज का पटना है ये, पाटलिपुत्र में हुई। और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी, मौर्यन डायनेस्टी के महान शासक अशोका ने कराई थी। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पर। राइट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पूरा नाम याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो किसने कराई थी?
कनिष्क ने कराई थी। ध्यान दीजिए बेटा, कनिष्क ने कराई थी, जो कि महायान बुद्धिज्म के एक बहुत बड़े प्रपाउंडर और बहुत बड़े प्रीचर होते हैं। ठीक है, तो हमने चार बुद्धिस्ट काउंसिल देखी है। पहली कहाँ हुई? राजगृहा में हुई। किस राजा ने कराई? अजातशत्रु ने कराई। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल देखी है वैशाली में। वैशाली में किस राजा ने कराई? कालशोक ने कराई। ठीक, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है, अशोका ने कराई। और सबसे आखिरी हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि कश्मीर के कुंडल वन में होती है, जो कि कनिष्क के द्वारा कराई गई, जो कि एक महान कुषाण शासक या कुषाण रूलर हुआ करते थे। इसी तरीके से हमने बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी तीन मार्कर्स बन सकते थे, जितनी भी कहानियां हम समझ सकते थे, वो कंप्लीट करी। एक लास्ट में यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी, दैट इज डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। राइट, सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी कि भैया कारण क्या थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे भारत में फैल गया। राइट, फिर आपने तीन मार्कर्स देखे। अब हम यहाँ पर कवर करते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। हुआ क्या कि भाई बुद्धिज्म की शुरुआत होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। राइट, कहाँ से? लुम्बिनी नाम की जगह से, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये इतना फैल गई कि एक समय पर बुद्धिज्म अपनी पीक पॉइंट पे हुआ करता था भारत में। लेकिन आज अगर आप देखो तो ऐसे कोई 1% 2% गिने चुने लोग हैं जो इंडियन सोसाइटी में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अगर आप कंपेयर करो जैनिज्म और बुद्धिज्म को, तो जैन लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, बुद्धिस्ट लोग आपको कम मिलेंगे। व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म? कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है ऐसे क्या कारण है जो इंडियन सोसाइटी में बुद्धिज्म की ग्रोथ कम हो गई, तो आप कुछ कारण यहाँ पर लिखेंगे। देखिए होता क्या था कि बुद्धा के हिसाब से, राइट, बुद्धा के हिसाब से उन्होंने जो ओरिजिनल टीचिंग दी थी, जो साधारण जीवन जीने की यहाँ पर राय दी थी, उसमें एक कन्वर्जन हमें देखने को मिला। कैसे? ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, राइट, यानी कि जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, इन्होंने ऑफरिंग्स लेना शुरू कर दी। क्या शुरू कर दिया? ऑफरिंग, गिफ्ट, इन्हें लैंड ग्रांट्स, जमीनें मिलने लग गई और इस जमीनों से ये लोग पैसा कमाने लग गए। हमें कई सारी ऐसी बुद्धिस्ट गुफाएं मिली हैं जिसमें लम सम सोना आपको मिला है, गोल्ड मिला है। तो बेसिकली ये जब ऑफरिंग्स लेने लगे तो ये तो भ्रष्ट हो गए। इनकी जो साधारणता थी, इनकी जो सच्चाई थी कि हम मटेरियल आउटपुट यानी कि मटेरियल चीज़ों से मोह नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, वो चीज़ तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो पहला आपका कारण है बुद्धिस्ट मॉन्क्स में बदलाव आना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स में ऑफरिंग्स को इंक्लूड करना। दूसरा यहाँ पर बहुत बड़ा कारण ये है कि गौतम बुद्धा ने जिस ओरिजिनल बुद्धिज़्म को शुरुआत करी थी उसमें ही बदलाव आ गए। कैसे? हमने देखा महायान बुद्धिज्म की शुरुआत हो गई, राइट? महायान बुद्धिज्म क्या कहता है भाई? आइडल्स की वर्शिप करो, यानी कि मंदिर बनाओ। ठीक, यहाँ पर पुजारी होंगे, एक मूर्ति होगी। गौतम बुद्धा तो कहते थे कि मैं तो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट हूँ। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स लॉर्ड बुद्धा ने शुरू किए थे उसी में बदलाव होने लगे। तीसरी चीज, ये लोग स्पिरिचुअल भी हो गए। आपको पता है कि बुद्धिज्म में भी सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास की शुरुआत हो गई, और यही बहुत बड़े कारण है कि भैया जिस एसेंस के साथ, जिस सच्चाई के साथ आपने बुद्धिज्म की शुरुआत करी थी, राइट, वो ऑफरिंग्स लेकर, लैंड ग्रांट्स लेकर आप इसकी ग्रोथ भारत में क्या करते गए? कम करते गए। एंड वी नो द एंड रिजल्ट दैट वेरी फ्यू पीपल आर स्टिल देयर दो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया में। नेपाल अगर आप जाते हैं, तिब्बत जाते हैं, भूटान जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, तो स्टिल बुद्धिज्म इज ग्रोइंग डे बाय डे, बट इट लैग्ड समवेयर बिहाइंड इन इंडिया एंड फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर दैट। इज इट क्लियर? होप सो आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो चुकी होंगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो जैनिज्म टॉपिक पर बनाएंगे। इसी तरीके से फोर्स MPPSC के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।